देखो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है कि हमको वायरल डिजीज कवर करना है। आपके 11th के सिलेबस में वायरस का थोड़ा एलिमेंट्री स्टडी करना था, थोड़ा सा नॉलेज लेना था। हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेट कर देते हैं, थोड़ा सा वायरस को समझते हैं, थोड़ा वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और फिर वायरल डिजीज जो हमारे सिलेबस में है उनको कवर किया जाएगा। एक बात देखो ध्यान से, ऐसे भी तो हम लोग ये जो वायरल डिजीज है कोरोना, इसी के चलते आज क्या है घर में बंद बैठे हुए हैं। नहीं तो थोड़ा सा हम लोगों को वायरल डिजीज के बारे में देखना है। वायरस क्या है जरा समझो, इसी को हम लोग हिंदी में विषाणु बोलते हैं, ये भी देख लिया जाए। हिंदी इसका, इसको बोलते हैं विषाणु। तो ये विषाणु या वायरस होते क्या है, आजकल तो आप सुने हैं कोरोना वायरस वायरस पॉपुलर वर्ड हो गया है। तो ये है क्या, तो माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। आपको ध्यान देना है तीन वर्ड यहाँ पे हम लिखे हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है इन्फेक्शियस, और तीसरा है पार्टिकल्स। नहीं, माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे ये इंटिटी हैं या बोलो कण होते हैं जो आंख से देखे नहीं जा सकते, मतलब बहुत छोटे होते हैं। दूसरा वर्ड लिखा है इन्फेक्शियस, मतलब संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं, इनके चलते डिजीज हो सकता है। और थर्ड लिखा है पार्टिकल, जानबूझ के लिखा है, हमने कहीं ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा है, जीव नहीं लिखा है वायरस के लिए। मतलब क्या है ये आगे समझेंगे लोग, क्यों इसको पार्टिकल लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कैन कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीज, मतलब वायरस कर क्या सकता है, तो ये इन्फेक्शन और डिजीज कॉज कर सकता है, इसके कारण वायरस के कारण अगर ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो इनके चलते संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा हम लोग को, और फिर रोग हो जाएगा। वायरस का थोड़ा कैरेक्टर देखते हैं, बोलता है कि वायरस जब हमारे शरीर के बाहर रहते हैं तब ये नॉन लिविंग है, मतलब हमारे शरीर के या सेल के या टिश्यू के अगर बाहर रहते हैं वायरस तो वो कैसे होंगे, नॉन लिविंग होंगे। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी भी एक तरीके से, जो पीछे हम लोग देख रहे थे उनमें से किसी भी एक तरीके से अगर बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर वो कैसा व्यवहार करेंगे, फिर वो लिविंग के जैसा व्यवहार करेंगे। देखो यहाँ पे लिविंग इनसाइड, फिर वो व्यवहार कैसे करेंगे, लिविंग के जैसा। मतलब ये क्लियर आपको समझ लेना है कि वायरस जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग, और जब बॉडी के अंदर रहेगा तो वो लिविंग जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, हम लोग कैसे समझेंगे कि वायरस लिविंग के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म के किसी जीव के बॉडी में पहुंचेगा, हमारे बॉडी में पहुंचेगा, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, मतलब अपने नंबर को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, तब समझेंगे कि वो लिविंग के जैसा व्यवहार कर रहा है। ये तो थोड़ा एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन था वायरस के बारे में। नेक्स्ट आओ देखा जाए कि वायरस का अब स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे ध्यान देने की एक चीज है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, हम लोग हों या कोई दूसरा जीव हो, उन सब का बॉडी, उन सारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को अगर चेक किया जाए तो कई तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनता है। जैसे चेक करो, जैसे मान लो ठीक है ना, चले स्ट्रक्चर वायरस से काटोगे ना, देखो। हाँ तो हम लोग अब थोड़ा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। तो आपको ध्यान देना है कि वायरस में सिर्फ दो टाइप के मटेरियल मिलते हैं, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें दो टाइप के मटेरियल मिलेंगे आपको, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। आपको ध्यान रखना है कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और ये किस फॉर्म में होगा, ये जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि वायरस का जो दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, तो प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। हमारे बॉडी में जिस कारण डिजीज होता है या इन्फेक्शन होता है वो किसके चलते होता है, वो वायरस में प्रेजेंट डीएनए या फिर आरएनए के चलते होता है। ठीक है, तो हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि वायरस के दो कंपोनेंट्स हैं या दो मटेरियल से मिलकर बनता है, कौन कौन सा बताओ, एक तो न्यूक्लिक एसिड और सेकंड क्या है, तो प्रोटीन कोट। यहाँ पे एक सिंपल वायरस का डायग्राम हम बना के आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, जो ये अंदर में जो मटेरियल हम लोग जो बनाए हुए हैं ऐसे करके, नहीं ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। ये अलग अलग तरह के वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक टाइप के वायरस में ये दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे।
दूसरा बाहर से ये जो देख रहे हो एक हम लोग जो कवर बनाए हुए हैं, एक आवरण जो बनाए हुए हैं, ये क्या होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, इसको हम लोग प्रोटीन कोट बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कैप्सिड भी बोलते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा फिर से कोरोना वायरस का बात किया जाए अगर, तो जो कोरोना वायरस है उसमें भी यही बात है, अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान रखना है कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसका भी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आरएनए है और बाहर से प्रोटीन कोट होता है। लेकिन एक नई बात जो उसमें निकल के आ रही है, ये थोड़ा नया स्टडी है, कि हम लोग पहले बात करते थे कि वायरस में, या अभी भी बोल रहे हैं कि वायरस में दो ही चीजें हैं, एक डीएनए या आरएनए और दूसरा प्रोटीन कोट। लेकिन रिसेंट स्टडी मतलब जो नया वाला स्टडी है उसमें ये पता चल रहा है कि इसमें लिपिड भी है, मतलब प्रोटीन के साथ क्या है, लिपिड भी है, और ये लिपिड किस रूप में है, तो आप बोलेंगे कि मेम्ब्रेन के रूप में है, ठीक ना। तो इसमें लिपिड भी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, हमको जो पढ़ना है कि वायरस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक अंदर में न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होता है और दूसरा बाहर में उसकी तरह प्रोटीन का कोट होता है। चलो इसके बाद से कुछ चीजें और आपको याद रखनी चाहिए, जैसे जो कॉमन डिजीज हैं जो वायरस के चलते होते हैं, जो हम लोग वायरल डिजीज बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखो ना, एक तो सर्दी जुकाम है, साधारण जुकाम, कॉमन कोल्ड, वो वायरल डिजीज है, आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कोरोना, जो कोरोना जो अब आज का जो सबसे पॉपुलर डिजीज है, इसके चलते हम लोग परेशान हैं, वो कॉमन, वो वायरस के चलते है। HIV/AIDS वायरस के चलते है, पोलियो वायरस के चलते, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये दोनों ही डिजीज किसके चलते हैं, बताओ, ये दोनों डिजीज वायरस के चलते होते हैं। मम्प्स, मम्प्स पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है, ये भी वायरल डिजीज है। मिजल्स, इसको छोटी माता हम लोग बोलते हैं, दाना निकल जाता है बॉडी के ऊपर, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, कुत्ता के काटने से एक डिजीज होता है रेबीज, वो भी वायरल डिजीज है। मच्छर के काटने से दो डिजीज, डेंगू और चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब सार्स भी क्या है, वायरल डिजीज है। ये सब आप लोगों को याद रखना है और जोड़ दें इस लिस्ट को, अगर लंबा कर दें, हेपेटाइटिस, हर तरह के हेपेटाइटिस मोस्टली ये वायरल होते हैं, और बताओ और कोई डिजीज, और जॉन्डिस, जॉन्डिस भी वायरल डिजीज है। तो कई सारे डिजीज हैं जो वायरल हैं, ये पॉपुलर हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन इसका देख रहे थे, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का। आप लोगों के लिए कुछ सजेशन है आज की वीडियो में, एक तो पढ़ाई स्टार्ट करिए, पढ़ाई करते रहिए, इस लॉकडाउन में जो परेशानी है वो ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट टाइम है, स्टूडेंट के लिए कोई परेशानी नहीं है, उनको भरपेट घर में खाना मिल जा रहा है, नहीं और खाली टाइम मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि परेशानी थोड़ा बहुत वैसे लोगों को जरूर है जो बाहर में फंस गए हैं, या फिर जो मजदूर मजदूर हैं, जो रोज मजदूरी करके अपना जीविका चला रहे होते हैं, उनको परेशानी है। तो हम दो चीजें आपसे बोलना चाह रहे हैं, एक तो आप पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए बेस्ट टाइम है, आपके लिए बुरा टाइम नहीं है, इसको बुरा लेके नहीं चलना है, और दूसरा आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बाहर नहीं निकलना है, आपके अगल बगल में, आपके घर के अगल बगल में कोई ऐसा आदमी अगर हो, औरत हो, बुजुर्ग, बच्चा कोई हो, जिसको खाना नहीं मिल रहा हो, जो संघर्ष कर रहा हो भोजन के लिए, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे लोगों को पहचान के और भोजन जरूर पहुंचाने का कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब आप जाके संक्रमित हो जाइए या लॉकडाउन का जो रूल्स है उसको ब्रेक करिए, बट कोशिश करिए कि आपके अगल बगल कोई भूखा नहीं रहे। मैं तो गांव में हूँ और रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड हैं, मैं कर नहीं पा रहा था। देखोगे आप लोग कि कैसे एक पेज लेकर के और एक सिंपल मोबाइल कैमरा से, मोबाइल से ही लाइट का ये जुगाड़ करके और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टफ कंडीशन है, मेरे लिए भी बहुत टफ कंडीशन है ये, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है, तो जो है उसमें ये वीडियो बना है। आप कोशिश है कि आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे, आप इसको फील करिएगा, ज़्यादा एरर निकालने की कोशिश ना करिएगा, बेटर है कि पढ़ाई करिएगा, दिक्कत होगा तो आप मुझे सीधे कॉल करिएगा, या मेरा जो नंबर है सबको याद ही है, 9939095246, इस पर सीधे
कॉल करके भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो बीच में टाइम निकाल के। एनसीईआरटी भी इस चैप्टर से पढ़ा करिए। और एक और बात बोलना चाहेंगे, जो खाली टाइम है, बहुत सारा खाली टाइम है हम लोग के पास अभी, तो कुछ नई चीजें कर सकते हो। जैसे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है, इवन कि इंग्लिश मीडियम भी अपने जो स्टूडेंट हैं उनका भी इंग्लिश कमजोर ही है, बहुत अच्छा नहीं है, कॉपी में देखते रहता हूँ, तो थोड़ा सा अंग्रेजी को ठीक करने की कोशिश करिए। और ये टीचर के सहारे ना रहिए, खुद से पढ़ के थोड़ी सी अंग्रेजी, बेसिक अंग्रेजी जो है, वर्ड्स वगैरह हैं उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। इससे आपको पूरे जीवन फायदा मिलेगा। तो ये कर सकते हैं आप अंग्रेजी, एक चीज, बहुत चीजें नहीं कर सकते हम लोग, एक कोई चीज कर सकते हैं, तो अंग्रेजी को ठीक करने की कोशिश करिए। और फिर बाकी सारी बातें जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो, थैंक यू।